नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 मई दिन बुधवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों को इस ऐप से घर बैठे मिलेगी खेती किसानी की जानकारी। शिक्षा विभाग लापरवाह शिक्षकों पर करेगा कार्रवाई। लंबित पड़े दाखिल खारिज के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को मिले आदेश। पटना में वोटर्स को रैपिडो मुफ्त में देगी सेवा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पंचतत्व में हुए विलीन। आईपीएल के मैच में राजस्थान रॉयल्स का आज पंजाब किंग्स से होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना में भर्ती के लिए सुनहरा अवसर। भारतीय सेना में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम जनवरी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि उम्मीदवार ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 12वीं में न्यूनतम 60% के साथ पास किया हो, साथ ही जेई 2024 में भाग लिया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। किसानों को इस ऐप से घर बैठे मिलेगी खेती किसानी की जानकारी। खेती और किसानी का ट्रेंड अब बदल रहा है। इसके बाद भी किसानों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। तकनीक के बारे में सही से पता नहीं होने पर किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन परेशानियों को दूर करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। कृषि देव ज्ञान ऐप किसानों के लिए मददगार साबित होगा। इस ऐप के माध्यम से किसानों को मिट्टी की नमी, पौधों में पानी की जरूरत, बीमारी, कीट और मौसम संबंधी जानकारी आसानी से मिल सकेंगे। किसानों को इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के साथ ही कुछ उपकरण खेतों में, इसमें इफको द्वारा विकसित छोटे आकार का मौसम केंद्र, मिट्टी नमी सेंसर और एक सिंचाई फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के बारे में। ये बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो लीची और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अनुसंधान और विकास के लिए काम करती है। जब आप यहाँ आएंगे तो लीची के उत्पादन, उद्योग, व्यापार, इसके बेहतर गुणवत्ता से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर किसानों को पेड़ की कटाई, छटाई, पत्तों और छिलकों के निस्तारण, बागों की जुताई व उचित खाद के इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाती है। यदि आप वनस्पति से जुड़ी चीज़ों को जानने का शौक रखते हैं तो यहाँ घूमने आ सकते हैं। आज से शुरू होगी सीयूईटी यूजी की परीक्षा। बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर आज सीयूईटी यूजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज से ये परीक्षा शुरू हो रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से छात्रों को ये सलाह दी गई है कि परीक्षा के पहले ही इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हीं छात्र और छात्राओं के लिए एडमिट कार्ड को जारी किया गया है जिनकी परीक्षा 15 मई से 18 मई के बीच में है। इन छात्रों और छात्राओं के एग्जाम सिटी को पहले ही जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट https://exams.nta.ac.in/cuet-ug से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पेटीएम से बिना पिन डाले ही कर सकेंगे पेमेंट। पेटीएम यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। अब पेटीएम पेमेंट को और एडवांस कर दिया गया है। इसके जरिए आप बिना पिन डाले ही पेमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही आपका पेमेंट फेल्ड होने की समस्या भी अब खत्म कर दी गई है। पेटीएम को इसके यूजर्स के लिए अब एडवांस बना दिया गया है। पेटीएम पर आपको 4,000 रुपए तक पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। पेटीएम लाइट का उपयोग करने के लिए पहले आपको होम पेज पर UPI लाइट एक्टिवेट आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको उस बैंक खाते का चुनाव करना होगा जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। UPI लॉट अकाउंट को शुरू करने के लिए MPN को रजिस्टर करना होगा। इसके जरिए आप बैंक की मदद से UPI QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकेंगे। शिक्षा विभाग लापरवाह शिक्षकों पर करेगा कार्रवाई। बिहार में शिक्षा विभाग को सुधारने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। छात्र हित में कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भी सरकारी विद्यालयों में कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं लापरवाह शिक्षकों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा और इन पर शिकंजा करने के लिए अधिकारियों के द्वारा स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। रोजाना विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा रही है। छुट्टी में विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। अभी तक बिहार में लापरवाही को देखते हुए सैकड़ों शिक्षकों का वेतन काटा गया है। जानकारी के अनुसार कोताही बरतने वाले पदाधिकारी, कर्मी, प्रधानाध्यापक या शिक्षक दंडित किए जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पंचतत्व में हुए विलीन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बीते दिन अंतिम संस्कार किया गया।
इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई लोग शामिल हुए हैं। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर बिहार विधानसभा के परिसर में पहुंचा। यहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। विधानसभा परिसर में भाजपा, जदयू और कांग्रेस समेत अन्य नेताओं ने सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इससे पहले पटना एयरपोर्ट से सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के बाद सुशील मोदी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया है। शिक्षा विभाग आज से विश्वविद्यालयों की करेगा समीक्षा। बिहार में शिक्षा विभाग आज से प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समीक्षा करने जा रहा है। इसके लिए कुलपति समेत अन्य अफसरों को बैठक में बुलाया गया है। इस समीक्षा बैठक में हर विश्वविद्यालयों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कई और विषयों पर भी फैसला लिया जा सकता है। इन बैठकों की तारीखों को तय कर दिया गया है। आज की बैठक में कुलपति, वित्तीय परामर्शी, कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी को बुलाया गया है। हर विश्वविद्यालय की ओर से पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसमें शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के अलग अलग स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पद, पिछले वित्तीय साल का प्रस्तावित स्वीकृत बजट और प्राप्त व्यय राशि आदि के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय की अलग अलग बैठक बुलाई गई है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आया ये खास फीचर। एक बार फिर से व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए खास फीचर लेकर आ रहा है। यूजर्स की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये खास फीचर सामने आया है। इस नए फीचर का नाम पास की रखा गया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले इस फीचर को बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये फीचर लोगों के लिए अपडेट किया जा रहा है। ये फीचर की मदद से यूजर को व्हाट्सएप अकाउंट को 6 डिजिट वाले कोड के बजाय लॉगिन करने के लिए डिवाइस पासकोड का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का विकल्प दिया जाएगा। इस नए फीचर में लोगों को जेनरेट पास की का भी फीचर दिया जाएगा। इसके जरिए यूजर्स अपने अकाउंट के सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिव पूजन सहाय के बारे में। शिव पूजन सहाय का जन्म अगस्त 1893 में बिहार में हुआ था। ये हिंदी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। वर्ष 1960 में इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा कई कथा उपन्यास लिखे गए। इनके प्रसिद्ध कथा और उपन्यास में तूती मैना, देहाती दुनिया, विभूति, वेदन, वे लोग, मेरा जीवन आदि शामिल है। 21 जनवरी वर्ष 1963 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबित पड़े दाखिल खारिज के मामले में प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को मिलेगी आदेश। बिहार में करीब 45.35% दाखिल खारिज अपील के मामले लंबित पड़े हुए हैं। लंबित पड़े मामले को लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द इसका समाधान करवाएं। इसके साथ ही इन्हें कहा गया है कि दाखिल खारिज अपील मामलों के समाधान की निर्धारित समय सीमा भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009 के तहत 90 दिन तय है, जिससे नए वादों के निराकरण का निर्देश देते हुए कहा गया है कि 90 दिन से अधिक लंबित पड़े वादों का निराकरण त्वरित गति से की जाए। बीपीएससी पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड की कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी ईओयू। बीपीएससी पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड की कोर्ट से रिमांड की मांग ईओयू करने जा रही है। मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव समेत अन्य आरोपियों को जल्द ही रिमांड पर लिया जा सकता है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की ओर से की जा रही है। अब जल्द ही कोर्ट से इन आरोपितों की रिमांड की मांग की जा सकती है। मालूम हो कि ईओयू की ओर से फिलहाल इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि पेपर लीक कैसे और कहां से की गई है, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब सुलझाना बाकी है। ईओयू की टीम सभी सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेगी। पटना में वोटर्स को रैपिडो मुफ्त में देगी सेवा। राजधानी पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक के नेतृत्व में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रैपिडो के द्वारा पटना के वोटर्स को मुफ्त में परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति शर्तों के अंतर्गत इस कार्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। उक्त निःशुल्क परिवहन वाहनों पर राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
आज का मौसम रहेगा शुष्क। लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों को गर्मी से काफी राहत मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार होने वाली है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। आज के लिए मौसम विभाग ने मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल से राज्य में कई जगहों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। दर्शकों को लुभाने के लिए तारामंडल में शुरू होंगे दो और नए शो। पटना में तारामंडल घूमने आने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब तारामंडल में दर्शकों को 4 3D शो देखने को मिलेंगे। पहले 3D शो की संख्या 2 थी, लेकिन अगले महीने से लोगों को 4 शो दिखाने की योजना बनाई गई है। बता दें कि पहले जो 2 शो दिखाए जाते थे उसमें एक का नाम VR स्टार और दूसरे का नाम एस्ट्रॉइड मिशन था। दोनों ही शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध थे, लेकिन अब 4 शो के शुरू होने से दर्शक और भी आकर्षित होंगे। मालूम हो कि अभी एक महीने पहले ही तारामंडल को नए रंग रूप के साथ शुरू किया गया था। छुट्टियों के समय में तारामंडल में दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन वाराणसी की लोकसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उनके नामांकन कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही हाजीपुर से वर्तमान सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस पीएम मोदी के नामांकन में नजर आए। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस दौरान मौजूद रहे। मालूम हो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पीएम के नामांकन में पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के पैरोल पर किए सवाल। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए ही अनंत सिंह के पैरोल पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि मुंगेर में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आप लोग जान सकते हैं कि लोगों को क्यों पैरोल दिया गया है। इसी काम के लिए दिया गया है जो जंगल राज चलाते हैं, वही जंगल राज को कायम करना चाहते हैं। असल में जंगल राज यही है कि वोटरों को वोट मत देने दो, प्रत्याशी की गाड़ी को तोड़ो और हमारे नेताओं को पीटो, यही जंगल राज है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि जो साल 2014 में आए हैं वो साल 2024 में चले जाएंगे। लालू यादव की पार्टी के पूर्व विधायक जदयू में शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जदयू में शामिल हो गए हैं। इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी का हाथ थाम लिया है। मालूम हो कि छपरा में 20 मई को चुनाव होना है। इससे पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। इसे लेकर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का काम घर घर तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी काम किया उसका असर है और अब रणधीर सिंह के जदयू में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पवन सिंह को भाजपा ने दी चेतावनी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। कहा जा रहा है कि अब भाजपा की ओर से इन पर एक्शन लिया जा सकता है। मालूम हो कि NDA की ओर से इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पवन सिंह भाजपा के सदस्य हैं और बिना पार्टी से इस्तीफा दिए ही इन्होंने काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। इस पर बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि अगर पवन सिंह ने नामांकन नहीं लिया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई FIR। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी VIP और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रामक खबरों को लेकर पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई है। भाजपा का आरोप है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी के गलत फोटो का इस्तेमाल किया गया है। इस तस्वीर को VIP के ऑफिशियल फेसबुक पेज से शेयर किया गया था। जानकारी दी गई है कि इस फोटो को एडिट करके बनाया गया था। VIP के इस पोस्ट को एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया है। साथ ही कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन का काम सिर्फ झूठ बोलना है। इधर VIP की ओर से भी थाने में तहरीर दी गई है। IPL के मैच में राजस्थान रॉयल्स का आज पंजाब किंग्स से होगा मुकाबला। IPL 2024 के 65वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का आज पंजाब किंग्स से मुकाबला होने जा रहा है। इन दोनों ही टीमों के बीच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में राजस्थान की टीम ने यहां पर एक भी मैच नहीं खेला है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 12 मैच अपने नाम किए हैं। इनमें से इस टीम ने 8 मैचों में जीत हासिल की है। 16 अंकों के साथ ये टीम दूसरे स्थान पर
दूसरी ओर पंजाब की टीम ने 12 में से 4 मुकाबले में जीत हासिल की है। ये टीम आखिरी स्थान पर है, साथ ही एलिमिनेट होगी। आपके अनुसार राजस्थान रॉयल्स और KKR में प्लेऑफ में नंबर 1 कौन सी टीम होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 15 मई वर्ष 1817 में समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1907 में क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1923 में भारतीय हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1958 में भारत के संसद के अधिनियम के रूप में उपहार कर अधिनियम लागू किया गया था। आज के दिन वर्ष 1967 में बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1993 में भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ मार्शल KM करियप्पा का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय मूल की मंजुला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। आज के दिन विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। लोगों के बीमारी की वजह हो सकता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन अब सभी लोगों को की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है, लेकिन अब स्मार्टफोन लोगों को बीमार कर रहा है। सबसे अधिक हम अपनी आंखों पर पड़ने वाले असर की चर्चा करते हैं। हमारा फोकस स्क्रीन टाइम पर होता है, लेकिन स्मार्टफोन के कारण लोगों के हाथ पर भी असर पड़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो हमारे हाथ की उंगलियों पर स्मार्टफोन यूज करने का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जानकारी के मुताबिक स्मार्टफोन यूज करने का सबसे अधिक असर कनिष्ठ और अंगूठे पर पड़ता है। इस कारण को दर्द शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार हम इसके कारण अपने हाथों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे HPCL के वायरल हो रहे इस लेटर के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक लेटर वायरल हो रहा है। ये लेटर को एक अप्रूवल लेटर बताया जा रहा है, जो LPG के एजेंसी डीलरशिप को मंजूरी देता है। लेकिन आपको बता दें कि HPCL द्वारा ऐसे किसी भी लेटर की पेशकश नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए फर्जी बताया है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन हरे निशान पर हुआ बंद। भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ है। BSE पर सेंसेक्स 318 अंकों के साथ 73,094.34 पर क्लोज हुआ है। दूसरी ओर NSE पर निफ्टी 0.52% की बढ़ोतरी के साथ 22,218 पर क्लोज हुआ है। बीते दिन अडानी इंटरप्राइजेज, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, ONGC टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल हुए हैं। दूसरी ओर सिप्ला, TCS, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया ने गिरावट के साथ कारोबार किया है। मालूम हो कि कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बाजार हरे निशान पर खुला था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 9 मई, ऑप्शन बी है 11 मई, ऑप्शन सी है 10 मई, ऑप्शन डी है 12 मई। इसका सही उत्तर है 11 मई। हाल ही में सुनाई स्पाई वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है असम। हाल ही में संगीत सिवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है अभिनेता, ऑप्शन बी है फिल्म निर्माता, ऑप्शन सी है लेखक, ऑप्शन डी है तबला वादक। इसका सही उत्तर है फिल्म निर्माता। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन बी है कैमूर पठार, ऑप्शन सी है खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी है गया की पहाड़ी। इसका सही उत्तर है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की हैं? ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है टर्सरियरी, ऑप्शन सी है आर्कियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विंध्यन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, राहुल यादव, राजकिशोर महतो, शोभानंद ठाकुर, गोपाल भगत, वेद प्रकाश सिंह, संजय कुमार शर्मा, राजेश मांझी, विकास दास, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही भरत्यांत के सवाल की और आज का सवाल है,
यदि आपको किसी विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।